सीएम शिवराज ने एक तरफ किया है कैबिनेट का विस्तार तो दूसरी तरफ दी है मेट्रो की सौगात। जी हां, एमपी में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधायकों को शपथ दिलाई। ब्राह्मण नेता और विंध्य क्षेत्र के रीवा से विधायक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और महाकौशल क्षेत्र के बालाघाट से विधायक और एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले राहुल लोधी लोधी समाज से आते हैं और 3 नए मंत्री बनाए जाने के बाद अब शिवराज चौहान कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 हो गई है। राज्य कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ 35 मंत्रियों की जगह है। हालिया विस्तार के बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या लगभग पूरी हो गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार की मांग लंबे समय से उठ रही थी। कई बार कुछ विधायक ने सार्वजनिक रूप से इस मसले पर बयान भी दिया। मुख्यमंत्री चौहान की कैबिनेट का विस्तार आखिरी बार 2021 में हुआ था। तो शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन बात अगर राजेंद्र शुक्ला की करें तो रीवा सीट से 4 बार के विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विंध्य अंचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं राजेंद्र शुक्ला। 2003 में पहली बार विधायक बने और लगातार उसके बाद से जीतते रहे। 2018 के चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली थी। रीवा जिले की सभी 8 सीट जो हैं वो बीजेपी ने जीती थी। बात अगर गौरीशंकर बिसेन की करें तो बालाघाट से 7वीं बार के विधायक हैं। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय रहे। 1985, 90, 93, 2003 में विधायक बने। 2008 में 13वीं विधानसभा के सदस्य बने। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहकारिता मंत्री भी वो रहे। और राहुल सिंह लोधी की अगर हम बात करें तो पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे और टीकमगढ़ जिले के खरगापुर सीट से विधायक हैं। और इसके साथ ही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चेतन सेठ हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। चेतन सेठ, मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे और शामिल हो गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव है, इसके जरिए किससे क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है इन 3 नए चेहरों के साथ? बिल्कुल, देखिए, बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य, ये 3 इलाकों को अब बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंध्य, बुंदेलखंड और जो इलाके का दौरा किया था, तो कहीं ना कहीं वहां पर असंतुष्ट लोग दिख रहे थे। यही कारण है कि वहां के विधायकों को अब साधने का प्रयास किया गया है। गौरीशंकर बिसेन, जो पहले भी 2 बार मंत्री रह चुके हैं, उनको एक बार कैबिनेट में आज जो मंत्री पद की शपथ ली है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो भी पहले मंत्री रह चुके हैं, उनने भी आज मंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन राहुल सिंह लोधी एक ऐसा नाम है जो बुंदेलखंड इलाके से आते हैं और उमा भारती के भतीजे हैं, पहली बार के विधायक हैं। राहुल सिंह लोधी को अब मंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड का राजनीतिक का केंद्र बिंदु अब राहुल सिंह लोधी होंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश की 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर लोधी समुदाय के वोट बैंक काफी अधिक हैं और राहुल लोधी नया चेहरा है, उभरता चेहरा है, बुंदेलखंड के लोगों में एक अलग ही पहचान है। साथ ही साथ ग्वालियर और चंबल संभाग के क्षेत्र में भी लोधी समुदाय में अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं। उमा भारती लंबे समय से नाराज की खबर आ रही थी कि उमा भारती बीजेपी से, बिल्कुल अब बड़ा सवाल है, राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में शामिल कर क्या उमा भारती को मनाने की कोशिश या एक समुदाय को मनाने की कोशिश जो है वो की गई है या एक समुदाय को साधने की कोशिश की गई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े।